would now be listening to Mr. Mahendra Singh Tavar, Commissioner, Ghaziabad Municipal Corporation, as he delivers the guest address for today's event. So thank you very much for inviting me here, and Rahul sir, चूँकि मेरे सीनियर भी हैं तो आपके अनुमति से सर मैं अपना प्रस्पेक्टिव जो है मैं शेयर करना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज थिंकिंग कि एम आई ए गेस्ट और रेगुलर पार्टनर ऑफ दिस स्कीम. सो इफ यू विल मेक यू विल बी अ गेस्ट, इट इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो यू विल बी को गेस्ट नहीं, उसको अपना पार्टनर बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर हम लोग कर पाएंगे. मैं पूरी इसमें देख रहा था कि मैं ही मेरे नाम के आगे गेस्ट लिखा हुआ है. तो आई एम द ओनली गेस्ट इन दिस हाउस. तो अभी शायद रियलिटी यही है कि यूएलबीज को हमने गेस्ट बना रखा है. तो अर्बन लोकल बॉडीज़ को मुझे लगता है कि अगर हम गेस्ट की नज़र से देखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा. अगर उसको पार्टनर बनाएंगे तो काफ़ी कम समय में जो गैप्स हैं उनको हम लोग पूरा कर सकते हैं. सो कमिंग टू द पॉइंट, इट वॉज वन लाइटर नोट. मैं सुन रहा था आपकी पूरी बात को सर, और काफ़ी हद तक आपने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि इस टाइम पे क्या नीड ऑफ द आर है और हमारे जो अर्बन इनिशिएटिव्स हैं, अर्बन डेवलपमेंट है, वो किस तरफ जा रही है. मैं बहुत क्विकली जो है एक म्यूनसिपल कमिश्नर गाजियाबाद होने के नाते जो यूएलबीज का एक्सपीरियंस है और जो ग्राउंड पे हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं वो आपको साथ में शेयर करना चाहूँगा सो दैट वी कैन कनेक्ट प्रॉपरली कि वट यू आर डिलीवरिंग एंड वट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे को लगभग 2 साल हो गए हैं गाजियाबाद में. हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें GIS को हमने यूज़ किया है. पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, देन व्हाट चैलेंजेस वी आर फेसिंग आई विल कम ऑन दैट पॉइंट. GIS में जैसे आपने कहा कि टैक्सेशन के बारे में आपने कहा, प्रॉपर्टी टैक्सेशन की बात करी, तो बोथ द थिंग्स वी आर डूइंग. सो प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से PTMS यूनिकॉर्प्स कंपनी है जो हमारे यहाँ पे काम कर रही है, और इससे पहले लगभग 4 लाख के आसपास प्रॉपर्टीज थी जिनको हम टैक्स नेट में शामिल कर रखा था. ये हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया है, अब लगभग 6,50,000 प्रॉपर्टीज टैक्स नेट में है. तो सी द गैप, 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास का जो गैप है वो हम लोग कहाँ से निकालवाए, टेक्नोलॉजी से. उसका सही इस्तेमाल अगर हम करें तो टैक्स नेट में अभी तक जो प्रॉपर्टीज नहीं थी उन प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने इसमें शामिल किया, और इससे जो टैक्स रेवेन्यूज हैं अप्रोक्सीमेटली 150 से 200 करोड़ रुपए का एक जंप एक सिटी को देखने को मिलेगा जो दिस ईयर वी हैव इम्प्लीमेंटेड इट. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी और जियोस्पेशियल. सर यूएलबी के लिए 150 से 200 करोड़ का एक अमाउंट अच्छा अमाउंट होता है. तो एक ये सक्सेस चीज है, जो स्टोरी है वो मैं शेयर करना चाह रहा था आपसे कि हम लोग काफ़ी इसके क्लोज हैं. अब नोटिसेज पे जो ऑब्जेक्शन हम लोग मांगते हैं, क्योंकि GIS के बाद में फिजिकल सर्वे होता है, फिजिकल सर्वे करने के बाद में उसका क्वालिटी चेक होता है, क्वालिटी चेक करने के बाद में उसका एक डिमांड नोटिस जनरेट करते हैं. डिमांड नोटिस जनरेट करने के बाद हम जो ऑब्जेक्शंस इनवाइट करते हैं, अगर ऑब्जेक्शंस नहीं है तो एक फाइनल नोटिस जो है उनको जाएगा. बट ये फिगर जो है 2, 4, 5, 10 करोड़ ऊपर नीचे हो सकता है, बट 200 करोड़ का जंप केवल एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुझे लगता है किसी भी यूएलबी के लिए एक अच्छा साइन है. सेकेंड, प्रॉपर्टीज़ की आपने बात की, गाजियाबाद में भी हम लोगों ने लगभग बहुत सारी जो हमारी LMC लैंड्स बोलते हैं हम लोग, LMC लैंड्स बेसिकली लैंड मैनेजमेंट कमेटी, जब ये शहर नहीं होते थे, गांव होते थे, तो वहाँ पे जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा जिस लैंड को मैनेज करती है तो उसके लिए कमेटी बनाई जाती थी, उसको LMC बोलते थे, लैंड मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें वहाँ के प्रधान, वहाँ के लेखपाल और 1-2 लोग वहाँ पे शामिल होते थे जो पूरा जो गवर्नमेंट लैंड्स हैं उनको मैनेज करने के लिए कमेटी काम करती थी. तो जब ये गांव जो शहर बने तो LMC लैंड्स जितनी भी हैं वो सारी कॉरपोरेशंस के पास आ जाती हैं. तो उनको, उनके कस्टोडियंस हम लोग होते हैं, तो कोई भी इंक्रोचमेंट्स होते हैं तो उनको, उनका देखरेख करना वो हमारा काम होता है. तो अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप इतनी सारी वैल्यूएबल लैंड्स हैं उनमें इंक्रोचमेंट करके आप सोचिए कि कितना बड़ा माफिया क्रिएट हो जाता है, और यही माफिया इन दिल्ली NCR के सिटीज में आपको सुनने को और देखने को मिलता है. मुझे कोई हिचक नहीं है शेयर करने में कि जितने भी गवर्नमेंट लैंड्स हैं उनके आसपास एक मॉडस अप्रेंडी क्या है, मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट लैंड्स के बगल में एक प्लॉट खरीदा जाता है, उसके कुछ सब डिविजन करके सर उसको सेल किया जाता है. तो हमेशा कागज़ जो बिकता है वो सही लैंड का बिकता है, लेकिन जो कब्जा होता है वो बगल की गवर्नमेंट लैंड्स पे होता है.
और धीरे धीरे जहाँ पे कभी तालाब होता था अब वहाँ पे आपको बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई होंगी और वहाँ पे लोग रहने शुरू हो जाते हैं। जो माफिया लोग होते हैं वो खुद कब्जा करके रहते नहीं है कभी भी, हमेशा जो एक लोअर इनकम ग्रुप और मीडियम इनकम ग्रुप के लोग होते हैं उनको वो सेल करके निकल जाते हैं, और जब बुलडोजर चलाने की बात आती है तो हमेशा गरीब का चेहरा सामने आ जाता है। तो दिस इज द मॉडल्स ऑफ रेंट इन सिटीज हैपनिंग राइट नाउ। तो उस चीज़ को भी हम लोगों ने हैंडल किया, और आई एम हैप्पी टू शेयर दैट कि इन लास्ट टू ईयर्स लगभग 2,000 करोड़ की ज़मीनें हम लोगों ने खाली कराई गाज़ियाबाद में, और 60 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन हम लोगों ने अपने कब्जे में ली है, और अभी उसको हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या है, GIS का कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे चैलेंजेस मैं फेस कर रहा था। प्रॉपर्टी की बात हो या यूटिलिटीज़ की बात, आपने बात की यूटिलिटीज़ की, जब बात की तो लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया, मैंने काफ़ी सारे जो इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वाइट किया था, तो क्योंकि आज ये AGI जो है एक एसोसिएशन है तो उसमें स्टेक होल्डर्स काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, मैं भी 1 साल से लगातार आप इंडस्ट्री के लोगों से मिलता रहा हूँ। तो मैंने कहा था कि जो यूटिलिटीज़ हैं ULBs की उनको मैप करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एसेट मैपिंग प्रॉपर कर पाएंगे और प्लानिंग प्रॉपर कर पाएंगे। तो बिलो द सर्फेस और अबव द सर्फेस इंफ्रा को जब तक हम मैप नहीं करेंगे तब तक हम एक सही डायरेक्शन में अपने सिटीज़ को डेवलप नहीं करा सकते। यही वजह है कि यहाँ पे ड्रेन्स हैं लेकिन पानी भरा हुआ है, STP 480 MLD की कैपेसिटी है, 320 MLD जनरेशन है, फिर भी आपको सीवेज नालों में बहता हुआ मिलेगा। तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं वो इसलिए हैं कि हम कभी भी हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमने अपने सिटीज़ को डेवलप नहीं किया। बहुत बिट्स एंड पीसीज में सिटीज़ डेवलप हुए हैं, जो नेचुरल टोपोग्राफी थी, नेचुरल जो स्लोप थे रिवर के वो सारे हमने ख़त्म कर दिए, उनको बंद कर दिया है, रिवर हमारी हिंडन रिवर वहाँ पे बहती है, तो जो ड्रेन्स नेचुरली या जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जो हैं नेचुरली इन रिवर्स में गिरते थे, अब बीच में पूरे बड़े बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो जो नाली के नाम से ज़मीन होती थी सरकारी वो एक्सचेंज करा के वहाँ पे बिल्डिंग बना दी है, बट वो ठीक है ज़मीन के बदले ज़मीन तो मिल गई लेकिन जो नेचुरल स्लोप था वो तो ख़त्म हो गया ना। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले किया होता तो शायद अच्छी प्लानिंग आज होती, लेकिन नेवरदलेस अगर कभी भी हम लोग जगे हैं तभी सवेरा होता है। अभी भी अगर हम टेक्नोलॉजी को अगर पेनिट्रेट कराते हैं अपनी प्लानिंग में अर्बन इम्प्लीमेंटेशन में तो हम ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स दे सकते हैं, और अपने रिसोर्सेज का जो हमेशा लिमिटेड रहते हैं उनको हमें बेटर यूटिलाइजेशन करने का मौका मिलता है। तो मैंने काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया और मैंने पूछा कि अबव द सरफेस जो इंफ्रा है उसको मैप करना इजी है कंपैरेटिवली बिलो द सरफेस यूटिलिटीज़ को, और उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे को दिखाई दिया जो आपने कहा कि स्किल का जो गैप है वो बिल्कुल सही बात है, प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी बनती हैं लेकिन डिलीवर नहीं होता कुछ भी। मैं आई एम सॉरी टू से बिकॉज ये प्लेटफॉर्म एक ओपन प्लेटफॉर्म है तो यू शुड नो कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं। बहुत सारे इसमें ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में आ गए हैं जिनके पास वास्तव में स्किल्स नहीं है, और जो लोग आए कुछ ठीक लोग भी आए तो वो इतना बड़ा प्राइस टैग रखते हैं। ULBs को देखिए स्केल करना पड़ेगा, आप हर चीज़ प्रीमियम प्राइसिंग पे मत ऑफर करिए। प्रीमियम प्राइसिंग क्यों मैं बोलता हूँ, अगर आप 2 करोड़ रुपये मुझसे केवल सर्वे करने के मांग लेंगे तो मैं प्रोजेक्ट कैसे इंप्लीमेंट करूँगा, तो इतने करोड़ में सर डिमांड की जाती है। तो एक रेगुलेशन जो है मुझे लगता है क्योंकि आप एसोसिएशन के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो AGI को पर स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर या जो भी है इसके ऊपर भी एक बार अबव द सरफेस इंफ्रा है उसको मैप करेंगे तो क्या प्राइस टैग होना चाहिए, एक रेंज एटलीस्ट मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए, कोई भी कहीं भी जाके जो जिसका मौका मिलता है वहाँ पर जाके लपेट रहा है, सॉरी टू से दीज वर्ड्स, लेकिन चीज़ें ऐसी हो रही हैं। इसको मुझे लगता है कि आई एम वेरी मच ब्लंट बट दीज आर द रियलिटीज, यू नीड टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। मैंने कहा कि भाई इतना पैसा मेरे पास नहीं है, मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा। वही काम मैंने अपने रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ से जब मैंने कराया 11 लाख रुपये में हो गया पूरा काम, और आज हमने अपने सारी यूटिलिटीज़ को जो अबव द सर्फेस हैं उनको हमने मैप कर लिया है। अब उसका यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, जो सिविल डिपार्टमेंट है सिविल डिपार्टमेंट को के लिए हमने इसको यूटिलाइज किया कि जितने भी रोड्स हैं उनकी विड्थ, उनके साइड पटरी, उनका ड्रेन ऑफ जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है उनकी विड्थ पूरा हमने मैप किया, और हर रोड को हम लोगों ने एक कोड दिया। कोड अपने आप में क्लियर कर देता है कि रोड किस तरह का है, RCC का रोड है, डामर का रोड है, साइड पटरी कितनी चौड़ी है, ग्रीन बेल्ट कितनी है, सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास आज की डेट में अवेलेबल है। मेरा प्रोजेक्ट जो है पूरा सेप्टेम्बर मिड में कम्प्लीट हो जाएगा,
तो ऑलमोस्ट मैं सारे एक जोन को देख चुका हूँ, तो नाउ वी आर वेरी हैप्पी कि जो चीज़ हम चाहते थे वो चीज़ हमें मिल रही है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का डाटा जो है वो हमको अर्बन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है हमारा, जो रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ यूपी का, उन्होंने हमें आगे पूरी टीम, काफ़ी यंग बच्चे हैं उस टीम में, वो लोग इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इसी तरह के बच्चे बाकी जगह भी आके काम करते हैं, जस्ट बिकॉज कि मैंने गवर्नमेंट से ही काम करा लिया तो 11 लाख रुपये में हो गया, इसी के लिए मुझसे करोड़ों रुपये की डिमांड की जाती थी कुछ दिन पहले। तो ये एक इशू है जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। जितना टेक्नोलॉजी देखिए ये ऑब्सोलीट होने में टाइम नहीं लगता, आज की डेट में हम जीआईएस की बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले आप चाहे देखेंगे बहुत सारे आईओटी की बात हुई, ब्लॉकचेन की बात हम लोग कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी जो है ना जितने दिन रहती है उसका अगर सही इस्तेमाल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद एक अगली टेक्नोलॉजी हमारे सामने होती है, तो उसका प्राइस टैग जो है वो हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, ताकि लार्जर परस्पेक्टिव जो है वो सर्व हो सके, सिटीज इसका इस्तेमाल कर सकें, स्केल जब बढ़ेगा तो प्राइस अपने आप कम होगा। तो ये इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि हमें अपना जो बेस है उसको इम्प्रूव करना है, रेट को कम करना है। तो ये एक मेरा एक पॉइंट रहेगा यहाँ पे। तो हम लोगों ने सिविल डिपार्टमेंट की यूटिलिटीज़ को मैप किया, एट द सेम टाइम मैंने जितनी प्रॉपर्टीज़ बताई उन सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने मैप किया, और जितने भी 48 गांव के नक्शे थे उनको हमने डिजिटल करा के और आज के जो मैप्स हैं जो रियलिटी है उसके ऊपर सुपर इम्पोज कराया। सुपर इम्पोज करा के मुझे आज पता है कि मेरी कितनी ज़मीनें और हैं जिनके ऊपर कब्जा है, और मुझे अगले 6 महीने 1 साल कहाँ पर काम करना है। तो ये बेनिफिट्स मुझे इसी जीआईएस मैपिंग से या सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट से, जितने भी टेक्नोलॉजी हम लोग बात करते हैं उनसे इस्तेमाल करने से ही हुआ है। इसके अलावा जितने भी हमारे लाइट के पोल्स हैं वो तक हमने मैप कर लिए हैं, जितने टॉयलेट्स हैं हमारे, कितने पार्क्स हैं हमारे पास, कितने हमारे पास में रोड विड्थ्स हैं, जो भी आप सोच सकते हैं एक अबाउट द सरफेस में, जो आप सब लोग इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो जो भी सॉल्यूशन आप ऑफर करते हैं वो सॉल्यूशन हम लोगों ने अपने गाजियाबाद में इसको डेवलप कर लिया, और मिड सितंबर में इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। बिलो द सरफेस इंफ्रा जो काफ़ी चैलेंजिंग होता है, चाहे सीवेज नेटवर्क है, गैस पाइपलाइंस है, बाकी केबलिंग है, वो अभी तक हमने नहीं किया है। हो सकता है कि हम उसी टीम से उसको आगे बढ़ाएं, बट अगर नहीं उस टीम से कराएंगे तो मैं आपका भी स्वागत करता हूं कि कोई भी जो गाजियाबाद में बिलो द सरफेस इंफ्रा के लिए इंटरेस्टेड हो तो दे कैन कम एंड मीट मी, तो वी कैन डिस्कस कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आइडिया है कि कम टाइम में हम मैक्सिमम चीज़ें डेवलप करके एक सॉल्यूशन जो है सिटी को ऑफर करें। तो ये कुछ मेरे जो पॉइंट्स हैं, मैंने जैसे बताया कि हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो रिमोट सेंसिंग PTMS के अलावा भी हम लोग ड्रोन सर्वे वगैरह हैं उस पर भी काफ़ी काम कर रहे हैं, जिससे कि हम जो शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं वो जल्दी पूरी कर सकें। तो ये सिटी की नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, एक्सपेक्टेशंस हैं इंडस्ट्री से, और इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस भी हमसे हो सकती हैं, तो वो आप अपनी बात जब कहेंगे तो अपनी बात कहेंगे, बट चूंकि मुझे अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना था तो इसलिए मैं आज यहाँ पे ज्वाइन भी किया था कि एटलीस्ट यू शुड नो कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, हमें क्या चाहिए। हाँ, चैलेंजेस भी आते हैं, ऐसा भी नहीं है कि केवल सब कुछ सेटेलाइट से हम देख सकते हैं या सब कुछ हम लोग इमेजिंग करके सॉल्यूशन दे सकते हैं। जब PTMS मैं कर रहा था तो हर दिन मुझे जो SOP शुरू में बनी थी उस SOP को मुझे डाइवर्ट करना पड़ता था, क्यों? क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ अलग हैं। जब वो टीम जाती है तो वहाँ पे जो ऊपर से दिखता है वो इतना कंजेस्टेड हो चुका है नीचे कि वो जज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें वो जो रैशनैलिटी है, जो एक प्रैक्टिकल आउटलुक है, वो भी हम आपको देते हैं, और वहीं पे इमीडिएट डिसीजन लेके जो करेक्शंस कर सकते हैं। बिल्कुल लकीर का फकीर ना हम बन सकते हैं ना आप बन सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि सिटीज़ में हम लोग काफ़ी काम कर सकते हैं। एक और लास्ट चीज़ जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, ITMS, जो आपने अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात की, ITMS आज की एक रियलिटी है। सारे सिटीज़ जो हैं वो रियल टाइम ट्रैफिक को भी इस टाइम पे कंट्रोल करते हैं, और इसी तरह की सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती हैं। तो हम लोग भी ITMS इस साल जो है लागू कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो दे कैन कम एंड पार्टिसिपेट इन आर बिट्स। थैंक यू वेरी मच।